जमीन पर लोटपोट कर हाथ जोड़कर अपना नाम बताते हुए तो कभी घुटनों के बल बैठकर पटे हाल हाथ जोड़ने वाले ये कोई भिखारी नहीं है, बल्कि राजनीति की नर्सरी के वे छात्र हैं जो आगे जाकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी छात्र संघ चुनाव में जीत के लिए वे हर जुगत आजमा लेना चाहते हैं, जिससे इनको हार का मुंह ना देखना पड़े। तस्वीरें वाराणसी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की है, जहां छात्र संघ चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने जमीन पर लेटकर छात्रों से वोट की भीख की अपील की। छात्र नेता जमीन पर लेटे लेटे छात्रों के सामने वोट के लिए गिड़गिड़ाते रहे। एक तरफ से छात्र गुजरते रहे और दूसरी तरफ खड़े प्रत्याशी वोटों की भीख मांगते रहे। तो देखा आपने किस तरह छात्र नेता वोट के लिए भिखारी बन गए। वहीं जब छात्र नेताओं से उनके इस तरह वोट मांगने की वजह पूछी गई, तो उनका कहना है कि चुनाव में खड़े होने का सिर्फ एक मौका मिलता है, इसलिए वे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब से छात्र संघ में लिंक दो कमेटी की नियम आई है, तब हर स्टूडेंट को बस एक बार ही छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। अगर आपको किसी भी काम को करने का बस एक मौका मिले, तो आप अपने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दीजिएगा, फिर आपको लेटना पड़े चाहे पांव पकड़ना पड़े, आप सब करिएगा। हालांकि कॉलेज के छात्र इस तरह वोट मांगने को गलत ठहराते हैं। उनका मानना है कि ऐसा होने से कॉलेज की गलत छवि बाहर आ जाती है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। इंसल्ट ही होता है सर, इसमें कुछ है नहीं, मतलब कि सब दिखावा है सर। बस वोट के लिए कुछ भी लोग करते हैं, पार्टी देते हैं, घर घर जाके बुलाते हैं, लालच देते हैं बच्चों को, यही सब है सर। और इस तरह जमीन पे लेटना, कपड़े गंदे करना, ये हमें लगता नहीं है सर कि किसी अच्छे नेता का पहचान है सर। ऐसा कहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सब सिंपैथी पाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या लग रहा है कॉलेज की इमेज कितनी खराब है? बहुत खराब है सर, ये मतलब इमेज तो बहुत ज्यादा ही खराब करते हैं नेता लोग तो बहुत ज्यादा। पिछले कुछ वक्त से छात्र नेताओं ने अपने वोट मांगने के तरीके में बदलाव किया है। एक वक्त था जब छात्र नेता ही देश की दिशा तय करने का काम करते थे, और एक ये वक्त है जब छात्र नेता ही भीख मांग रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।